सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वैक्यूम करने का तरीका बताऊंगा, वैक्यूम क्यों ज़रूरी होता है और वैक्यूम करने का तरीका मैं आपको सिंपल हमारे वैक्यूम पंप के साथ हम कैसे वैक्यूम कर सकते हैं अपने पूरे रेफ्रिजरेटर सिस्टम को, उसके मुकम्मल पाइपों को दोस्तों। और उसके साथ आपको एक एडवांस मैं तरीका भी बताऊंगा दोस्तों, जो कि आप कभी भी ऐसी प्रॉब्लम में हो कि आपके पास वैक्यूम पंप ना हो तो आप एक ट्रिक यूज़ करके आप आसानी के साथ दोस्तों वैक्यूम कर सकेंगे उसको, वैक्यूम के पंप के ज़रिए से नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं काम करने जहां पर अक्सर आपका वैक्यूम पंप या आप भूल जाते हैं या वैक्यूम पंप आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप फिर सोचते हैं कि यार वैक्यूम कैसे किया जाए। फिर या तो आपको आपका टाइम वेस्ट होता है, आप पहले वैक्यूम पंप तलाश करते हैं और फिर इस गैस को यानी कि अपने मुकम्मल रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम करते हैं, फिर आप आगे काम करते हैं गैस चार्ज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक और तरीका भी है जिसके ज़रिए से आप वैक्यूम ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर गैस है तो गैस के ज़रिए से ही आप इसको वैक्यूम कर सकेंगे। मुकम्मल 100% नहीं होगा लेकिन फिर भी वो आपको काम दे देगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओरिजिनल कंप्रेसर के साथ हम कैसे जो ओरिजिनल तरीका है 100% जो है कैसे वैक्यूम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सिंपल अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपने अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप कैसे वैक्यूम कर सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों पिन वाल जो है मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसके अंदर पिन ज़रूरी है होनी, इसके अंदर पिन आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी, इसके अंदर एक पिन है पिन वाल के अंदर, तो वो ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके साथ साथ मेरे पास लाइन है और गेज है, लो प्रेशर गेज है, मैं लो प्रेशर यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ वैक्यूम कहाँ पर होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो सिंपल जो तरीका है दोस्तों, नीचे आपको ग्रीन जो लाइन नज़र आ रही है 10, 20, 30, ये जो आपको ग्रीन जो ब्लैक है उसके नीचे सिफर से नीचे जो आपको ग्रीन नीचे रीडिंग नज़र आ रही है, तो ये रीडिंग तकरीबन 20 के आसपास आएगी वैक्यूम जब होगी। तो फ्रिज अक्सर जब चोक होती है तो वो भी वैक्यूम की तरफ ही आ जाती है, तो वो भी ग्रीन इन पॉइंट्स पर आ जाती है, 10 से नीचे आएगी तो हमारी फ्रिज चोक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फिलहाल वैक्यूम करने का तरीका बता रहा हूँ, तो वो हमारी इसके नीचे ही आनी चाहिए, 20 के आसपास। तो उसके बाद अब हम सबसे पहले जो है गेज का मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेन लाइन है रेड वाली, इसके आगे दोस्तों पिन वाल होना ज़रूरी है। पिन वाल मैंने इसमें ऑलरेडी लगाया हुआ है और पिन वाल मैं इस लाइन को जो मेन लाइन है इसको मैं इस पर अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, आप अच्छे से इसको टाइट कर सकते हैं ताकि ये लूज ना रहे। उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, गेज को अभी मैं ऑफ कर देता हूं और पहले जो मैं तरीका आपको बताने लगा हूं वो है गैस के साथ हम कैसे वैक्यूम कर सकते हैं। यहां पर अब दोस्तों सिंपल मैं क्या करने लगा हूं, दूसरी जो लाइन है गेज मैंने ऑफ कर दी है, वो मैं अपने सिलेंडर के साथ लगा दूंगा, R134 सिलेंडर। याद रहे कि आप किसी और गैस को नहीं यूज़ कर सकते वैक्यूम करने के लिए, इसके अंदर जो एयर है। वैक्यूम करना क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, वैक्यूम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो आम ऑक्सीजन एयर है जो वो इसके अंदर मौजूद होती है वो निकालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने जब गैस चार्ज करनी है तो गैस और एयर जब मिक्स आपस में मर्ज हो जाती है तो दोस्तों उससे फिर कूलिंग जो है हमारी फ्रिज जो है वो चोक होती है, तो चोक हमें ख़त्म करने के लिए इसको वैक्यूम ज़रूरी करना होता है। तो अब मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ कि वैक्यूम पंप अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी लाइन मैं अपने सिलेंडर को लगा देता हूँ, फ्रिज में R134 गैस डलती है और मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, तो इसको मैं साइड पर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। यहां पर अब दोस्तों मैं थोड़ी सी गैस जो है वो इसमें कंप्रेसर में डाल दूंगा, आपने देखा कि रीडिंग जो है ऊपर जा रही है, गैस जो है वो मैं इसमें थोड़ी सी डाल रहा हूं, थोड़ी सी आपकी गैस जरूर जाया होगी लेकिन
अगर आप ऐसी जगह पर मुश्किल आप पर अगर आज आप किसी मुश्किल जगह पर हैं जहां पर आपको कोई यानी कि वैक्यूम पंप नहीं मिल सकता, तो वहां पर आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ये हमने क्या करना है, अब सिंपल दूसरी जो लाइन है उसको उतार लेना है। सिलेंडर को मैं ऑफ किया और इसको मैंने अब उतार लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या करना है, सिंपल इसमें गैस इतनी चलेगी। अब इसमें एयर भी मौजूद है हमारे रेफ्रिजरेटर में, कंप्रेसर में और इसके पाइपों में मुकम्मल। तो अब मैं दोस्तों क्या करूँगा कि इसमें से थोड़ी सी जो गैस है मैंने इसमें डाल दी है, अब उसको मैं निकाल दूंगा बाहर। तो यहां पर मैं मुकम्मल गैस नहीं निकालूंगा, लेकिन जो हाई प्रेशर था वो मैंने निकाल दिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि जो प्रेशर इसमें गया था वही प्रेशर मैंने बाहर निकाला है, तो उसमें जो मौजूद एयर थी उसको साथ ही वो एयर को साथ ही प्रेशर लेकर अपने साथ आ गया और वो मैंने यहां से खारिज कर दिया, यहां से मैंने निकाल दिया। अब क्या हुआ, हमारा 100% नहीं लेकिन 70-80% तकरीबन हमारा वैक्यूम हो चुका है। ऐसे ही आप इसमें से थोड़ी सी गैस निकाल देंगे अच्छे से और थोड़ी सी बीच में रहने देंगे, तो उसके बाद आप इसमें गैस चार्जिंग कर सकते हैं, सिलेंडर की लाइन को दोबारा लगाकर और अपनी गैस चार्जिंग कर सकते हैं। एक तो हो गया ये तरीका, जो आप अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका, मैं गैस जो है वो ज़ाया कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं ओरिजिनल जो तरीका है जिससे आप पहले तो आप कोशिश करें कि वैक्यूम पंप से ही किया जाए, क्योंकि वैक्यूम पंप से ही करना बेहतर है। अब यहां पर सिंपल मैं दूसरी लाइन लगाऊंगा और वैक्यूम पंप को भी साथ में यूज करूंगा वैक्यूम पंप के जरिए से वैक्यूम करने के लिए। तो यहाँ पर अब दोस्तों सिंपल मैं वैक्यूम करूँगा वैक्यूम पंप के ज़रिए से। यहाँ पर इसके दो आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे, एक है दोस्तों डिस्चार्ज और एक सक्शन। सक्शन जो है वो प्रेशर को बाहर निकालता है और जो सक्शन जो है वो प्रेशर को सक करता है यानी कि खींचता है, जो डिस्चार्ज है वो प्रेशर बाहर निकालता है। तो हम सक्शन का पाइप जो है यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आपको गेज को ऑफ कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि गेज को आप ऑफ कर दें, अगर आप ऑफ ना भी करें तो आपका वैक्यूम होगा, लेकिन ऑफ क्यों मैंने की है मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा। यहाँ पर सिंपल मैं इस लाइन को सक्शन वाले जगह पर लगा देता हूँ। आप इसको ऑन करके भी चेक कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर फिंगर रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किससे प्रेशर आ रहा है और कौन सा सक्शन और कौन सा डिस्चार्ज है। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर को मैंने ऑफ ऑन कर दिया है। अब इस लाइन के अंदर मैंने ये जो वाल को ऑफ कर दिया है, मैंने इसलिए ऑफ किया कि अब पहले इस लाइन को यहाँ से आगे कनेक्शन नहीं है, यहाँ से इस लाइन को मुकम्मल, यहाँ से सारी इसमें जो एयर थी इस लाइन की सिर्फ वो अच्छे से ये बाहर निकाल देगा। यहाँ से मैं हाथ रख के भी चेक कर सकता हूँ, फिंगर रख के, कि यहाँ से निकल रहा है कि नहीं। अभी तक निकल रहा है, अब बहुत स्लो हो चुका है प्रेशर, तो इसकी एयर आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से निकल जाएगी। तो पहले इस एयर की जब इसमें से निकल जाएगी तो इसमें एक ताकत खुद ब खुद बन जाएगी कि इसका जो प्रेशर है वो खींच रहा होगा। तो जब मैं इस वाल को ओपन करूँगा तो इसमें से जितनी भी एयर है उसको फौरी और ज़्यादा फास्ट तरीके से खींचेगा दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा पहले इसकी एयर जो है वो निकल जाए। तो मेरा ख्याल है निकल चुकी है, जी हाँ निकल चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं सिंपल इस गेज को अपने वाल को ओपन कर देता हूँ। तो इसको मैंने ओपन किया और फौरी आपने देखा, तो यहाँ पर सिंपल अब मैंने इसको ओपन कर दिया था गेज को। तो यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आपको प्रेशर नज़र आ रहा है, आप साउंड इसका सुन सकते हैं कि यहाँ से प्रेशर जो है वो बाहर आ रहा है। तो इसमें जो रेफ्रिजरेटर में मुकम्मल इसके जो पाइप थे उसमें जितना एयर थी, जितनी भी एयर थी वो सारी की सारी अब इस लाइन से वैक्यूम पंप की मदद से हम बाहर निकाल देंगे। तो इसका टाइम कुछ फिक्स नहीं होता कि आप 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा ही इसको वैक्यूम करें।
जब तक वैक्यूम नहीं हो जाता तो आप इसको तब तक ऐसे ही रहने दें। अब आप इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं जब आपका वैक्यूम हो जाएगा। तो ये असल में इस कंप्रेसर की पावर के हिसाब से है कि मेरे पास अब कंप्रेसर है छोटा 1/4 का या 1/5 का, तो वो जितने यानी कि जितनी सक्शन उसकी है पावर तो वो उतनी ही देर लगाएगा, उतनी ही या जल्दी करेगा अगर उसकी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कोई विंडो एसी का कंप्रेसर है बड़ा बड़ा वाला, या आपके पास रोटरी कंप्रेसर है, अगर आप उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको सारे को वैक्यूम करने के लिए, तो वो बहुत ही फास्ट आपका वैक्यूम कर देगा। बट हम इससे कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन अच्छे से ये भी वैक्यूम कर देगा। तो यहाँ पर अब आप इस गेज को देखेंगे तो आपको जो है रीडिंग यहाँ पर मिल रही होगी 20 से नीचे आ चुकी है, तो यानी कि वैक्यूम अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पर अभी वैक्यूम हो रहा है। तो आप इसको 10 से 20 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। तो ऐसे आप इसको जितनी भी देर तक लगाएंगे तो उतना ही अच्छा वैक्यूम होगा। तो आप साथ साथ यहाँ से चेक भी करते रहें, थोड़ी देर आप फिंगर को ऊपर रखें और इसको छोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि अभी एयर आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि आपको वैक्यूम करना तो आ ही गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे वैक्यूम किया जाता है। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।